सबको मेरा प्रणाम। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं जो मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, दिन रात कई बार मोबाइल आप सुनते रहते हैं, गाने सुनते रहते हैं बहुत तेज़ लाउड आवाज़ में, तो इसका कहीं ना कहीं हमारे जो कानों की जो नर्व है बहुत सेंसिटिव होती हैं, उस पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, वो सिकुड़ने लगती हैं, जिस कारण से कान की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो ऐसे में आप अपने कानों को कैसे सुरक्षित रखेंगे, योग की एक छोटी सी क्रिया है, आप इसे कंठोगांतक प्राणायाम कहते हैं। योग में कैसे करना है, श्वास को अंदर लेना है, नासिका से बंद करना है दोनों नोस्ट्रल, दबाव देना है पूरा, नासिका से छोड़ देना है, श्वास अंदर लेकर दबाव बनाया कानों के ऊपर, कानों की जो मांसपेशियां, इन पर एक दबाव पड़ेगा, जितने भी पैसेज जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं इससे, और नासिका से फिर छोड़ देना। इसको 10 बार आप करेंगे सुबह और शाम। जिनको ज़्यादा प्रयोग है मोबाइल का वो दो समय करें, जिनका कम प्रयोग है वो एक समय कर लें। इससे आपके कानों से संबंधित समस्याएं नहीं होंगी। जिनको ऑपरेशन हुआ है कानों का, आँखों का, वो ध्यान रखें, सावधानी बरतें कि शुरू में हल्के दबाव के साथ करें। तो ये अभ्यास आपके कानों के लिए बहुत लाभकारी है, इसका अभ्यास जरूर करिए। इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। आज छोटे छोटे बच्चे जो मोबाइल का ज़्यादा